हमारे मन में एक आया है खुराफाती सा आइडिया, तो आज हम इनसे ना कुछ चीजें अपनी मनवाएंगे जबरदस्ती, ठीक है? सुनो, आज आप वॉशरूम में नहीं जाओगे, पहले हमारी कुछ बातों का जवाब दोगे, ठीक है? हाँ, ले रहे हैं दोनों में से एक 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 मुट्ठी खोलो, उसमें जो भी पर्ची होगी वो आपने पूरी करनी है, पूरे मीन्स पूरी। यस यस यस। अच्छा, कुछ बढ़िया से मांग लेता। मैंने थोड़ा इजी से लिखा। चैनल सुषमा यादव व्लॉग, और गाइस टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, तो अभी फटाफट से रुद्रा जाएगा। ये मैंने इनका शेक बना दिया है, इसकी माँ जी का, ये रुद्रा का, ये मेरा, मैं पीऊंगी बाद में, देवांश ने अपना दूध पी लिया मेरा, तो फटाफट और फिर करते इनका लंच पैक। लंच आज कुछ नहीं बना, आज फ्राइडे था तो बाहर से मंगवाया, तो मैं पैक कर देती हूँ, नहाएंगे तब तक, और फिर मिलते थोड़ी देर में। तो चलिए गाइज, अभी कर देते फटाफट से बच्चों का लंच पैक। तो लंच का मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से मंगवाया, तो इन्होंने अपनी सब्जी और जो भी कुछ मंगवाया था, रोटी वगैरह, तो वही मंगवाई है। तो इसलिए मेरा वैसे प्लान था कि मैं फ्रेंच फ्राई बनाऊं, बट गाइज आलू मंगवाने कुछ मेरे भी याद नहीं रहे, और आज हम कुछ लेट भी उठे, तो इसलिए भी। तो आज बाकी फ्राइडे को इनका बाहर का ही जाता है, मतलब कुछ भी जंक फूड जरूर नहीं हो, बाहर का हम घर पे भी बना सकते हैं कुछ भी, इसलिए। तो फ्रूट लंच में गया मैंगो, और यहाँ पे कुछ सामान आया था जैसे चीनी वगैरह, और जैसे आलू फिर सुबह इन्होंने भेज दिए थे, वो सारी चीज़ें मैंने सेट करी। फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह थे जो शाम के धुले हुए थे, उनको आराम से मैंने लगाया कैबिनेट में, और जो भी ये डस्ट वगैरह थी, डस्टी जो भी ये चीज़ें थी फालतू की, इनको डस्टबिन में डाला। तो यहाँ पे अब मैंने अपना शेक रख दिया था अंदर में, और फिलहाल टाइम हो रहा है 8:18। तो उस बीच मैंने क्या क्या किया, दोनों रूम क्लीन करके झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, बोल के डस्टिंग वगैरह सब कुछ, सेट वेट सब कुछ कर दिया। बाहर वो कपड़े दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको, वेट, ये मैंने धो दिया, मतलब एक्चुअली ये रखे हुए थे परसों के, फिर मैंने धो के सुखा दिए, अभी एक मशीन और चल रही है, तो फिर बस सिर्फ फाइट कपड़े बचेंगे, तो उनके लिए मैंने भी पहन रखा है, इसके पापा के भी आएंगे एक दो, और बच्चों के आज की यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो उसको हम धो देंगे कल या फिर परसों। अब आता है नंबर किचन का, किचन भी मैंने वैसे कुछ तो सेट तो कर दिया है, बस बर्तन ये सारे रह गए, देखो ढेर सारे बर्तन, अब इनको साफ करूंगी मैं, और फिर जाऊंगी मंदिर में। खूब सोचती हूँ जल्दी करूँ, बट गाइस रोज का रोज लेट हो जाता है, बट कोई नहीं, फिर भी मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी, और फ्री होके तो कोशिश करूंगी कि 9:30 बजे तक मैं मंदिर जा सकूं, क्योंकि मंदिरों का बहुत ज्यादा खौफ हो रखा है आजकल, और एक आधा पहाड़ बढ़ दिया ना, तो फिर छुट्टी है ना, तो मैं फटाफट काम कर लूं, और काम वाम करके फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइज, तो गाइज नहा धो ली थी मैं, और मेरा काम खत्म हुआ था। मैं बता दूं आपको, मैंने आपको 9 बजे का टाइम दिया था, तो 9:11 मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने सोचा बिना टाइम वेस्ट करे मैं नहा लूँ, पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अब मैं फ्री हूँ, खाना खाऊंगी और फिर रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, ब्लॉग वगैरह एडिट करके डालेंगे, फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको, ठीक है? मेरी जॉब भी हो गई। तो गाइज आ गए हैं खुराफाती बच्चे स्कूल से, और आज पेन के मालिक ने पेन को खराब कर दिया। यस, आज नहीं, कल ही खराब हो गया था मेरा, तो कोई नहीं, और आज मार कर दिया अपने अपने पेन की बीवी को। बीवी को चलो, तो भाई मैं दे दूं इनको कुछ खाने पीने के लिए, आइसक्रीम देती हूँ, बैठो आप, ये कपड़े वपड़े रखो उठा के। यस, क्यों लेट आए? 3 बजे हैं। ये क्यों उतार रहा है, ये क्यों उतार रहा है, अरे भूल गया, चलो कपड़े चेंज कर लो, मैं लेके आती हूँ तब तक आपके लिए। हेलो, क्या कर रहा है वे? क्या चल रहा है? ये सब अपनी तकिया का माए पाव गाल रखे है। हाँ, लाइट आ रही है, एसी क्यों चला रखी तुमने? एसी क्यों ना चला रखो, आ रही है लाइट, कहाँ चल रहा, बंद है, देख लो, बंद है ना एसी? हाँ बंद है, देख लो। तो गाइस ये आ गई शाम की चाय विद बीड़ी, मैं तो पर बीड़ी पी हुई ना, तरबूज
वो हमेशा ऐसे ही बोलता है कि बहुत मीठा है, मिश्री से भी मीठा, शायद से भी मीठा। अरे ये थारा आम, अनार, अनार और थोड़ी देर नीचे बैठ के मैंने चाय बना रखी थी तो चाय पी के आए। बट अभी गर्मी मैंने चाय का बिल्कुल मन नहीं करता, बस सुबह तो एक बार लेनी पड़ती है थोड़ी सी नींद वींद खोलने के लिए, वैसे ही बिल्कुल मन नहीं करता। तो फिर चलो कोई नहीं, और ये अभी मैं लेके बैठी हूँ करेले। एक्चुअली ये मैंने मंगवाए थे, मैं खुद लेके आई थी कल जब मंदिर से आई थी करेले, एक वो कद्दू जिसकी सब्जी कल बनाई थी और मटर लेके आए थे। तो इनको मैं छील के रख देती हूँ क्योंकि फिर करेले बना के रख देंगे तो एक दो दिन चल जाएंगे। और अभी शाम के खाने के लिए फिलहाल बनेंगे चावल, सोयाबीन वाले। बच्चे भी कह रहे थे, मम्मी भी कह रही थी कि हाँ चावल बना ले खा लेंगे। तो पहले मैं इनको छील के रख दूँ, और आज सिलाई का देखूँ मुश्किल करूँगी, या हो सकेगा तो शायद एक प्लाजो में सील भी दूँ क्योंकि कटा हुआ रखो। ब्लैक कलर का कल काट दिया था बट सिला नहीं था, तो इनको काट के फटाफट सुखा दूं और फिर कुछ आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। तो गाइज मैं आ गई थी किचन में, करेले मैंने कट कर दिए थे और उनमें डालना था नमक। और तो आज तो जैसे कल था फ्राइडे, आज था सैटरडे, तो आज नमक नहीं आ पाता और मेरा नमक हो रहा था खत्म, बिल्कुल मतलब खत्म होने को आ रहा था। वैसे तो मसालदानी में भी रखा था और डब्बे में भी था, बट मैंने सोचा आज ही मंगवा ली थी, कल फिर आएगा नहीं और कल कभी खत्म वत्म हो जाए तो इसलिए। तो फिर मैंने देवांश को बोला नमक ला दे, उसने नमक ला के दिया, मैंने करेले में डाला, उनको मैंने रख दिया है सूखने के लिए। बट गाइज इस वाले सीजन में ज्यादा धूप में आप ना रखो, और उन कुत्तों को बताना क्या दिक्कत है, भोंकते रहते हैं हर टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा धूप में ना रखें वरना ज़्यादा टाइट टाइट से हो जाएंगे। तो मैंने अंदर ही रख दिए हैं अपने करेले। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने सोयाबीन के चावल बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को भिगो के रख दिया है थोड़ी देर जग में, और चावल को मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो पहले थोड़ा सा चावल को साफ कर लेते, देखो बेशक पैकेट वाला आता है कितना भी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपनी तसल्ली के लिए हमेशा एक बार इनको अच्छे से देख के उंगलियां मार के इसमें थोड़ा कुछ जैसे कंकर वंकर हो, और तो खैर क्या ही होगा क्योंकि आजकल तो इतनी सेफ्टी से और अच्छी चीजें पैक चीजें जो आती है उनमें इतना इशू नहीं होता, बट फिर भी अपनी तरफ से। तो मैंने वॉश वॉश करके मैंने चढ़ा दिए चावल, हल्का सा इसमें ऑयल डाल देना चाहिए जो कि मैंने बाद में डाला, उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो इससे क्या है चावल आपस में चिपकते नहीं है और मस्त खिले खिले बनते हैं। दूसरी चीज की उफंदे भी नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे मैंने धनिया मंगवाया रुद्रा से, रुद्रा दो दुकानों पे गया नहीं मिला, फिर जाके ले गया। तो अब करेंगे चटनी की तैयारी। तो गाइस चटनी हमारी यहाँ पे हो गई है रेडी, और अभी चटनी में मैं साथ साथ नमक डाल देती हूँ क्योंकि गाइस बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, चाहे मैं सिलबट्टे पे बनाती हूँ चाहे मिक्सी में, कि मैं चटनी बना के रख देती हूँ, सोचती हूँ कि हो चलो नमक तो मैं बाद में डाल दूंगी, फिर वो बाद के चक्कर में ऐसा होता है कि वो नमक फिर बिल्कुल भी डलता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ कर लेती हूँ, रिस्क आज मैं नहीं लूंगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो सोयाबीन थे वो भी भीग के अच्छे से बिल्कुल मस्त हो गए थे, और इनको मैंने निचोड़ लिया। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल, और ये हो गई है मेरी सोयाबीन रेडी। इनको अभी थोड़ा थोड़ा करके जब तेल अच्छे से बॉईल हो जाए, बिल्कुल धुआंधार अच्छे से हो जाए, तो उसमें क्या है कि बहुत ही क्रंची सी ये बन जाएंगी और फिर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखो अभी ये मैंने डाल दिया है, तो इनको थोड़ा सा कुछ देर के लिए इनको फ्राई होने देते हैं। फ्राई वैसे तो आप सबको पता है कि
बिना प्याज के बनने चाहिए, बट मैं रिस्क ले रही हूँ आज प्याज के बनाएंगे। मैंने ज्यादा नहीं डाल रही, सिर्फ एक ही प्याज डाल रही हूँ, ठीक है। तो और एक आज इस चॉपर का यूज करेंगे हम, लेने के बाद मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही, तो देखे तो सही कैसा क्या कुछ होता है। तो चलो इसका देखते हैं कैसा क्या काम होगा, कैसा चॉप करता है प्याज को, और आपको भी दिखाते हैं। वेट, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही प्याज कट करके डाली और इसको भी कई पीसेस में करके डाल दिया, क्योंकि पता नहीं ब्लेड कैसे काम करेगी इसलिए, और लाइट को पता नहीं क्या दिक्कत है गाइस, आज भी आ रही है जा रही है। तो चलो फाइनली अब इसका करते हैं यूज, कैसे होएगा ये, ठीक है। ये खुलेगा एक्चुअली, हाँ ऐसे करके कैसे ये खुल गया देखो, है ना। और अभी इसमें एडजस्ट होके वेट, हाँ गाइस देखो कितना मस्त काटा है इसने, है ना, कितनी बारीक बारीक, इसको हम पराठे कचोरी में किसी में, और गाइस अगर और हम इसको प्रेस करके घुमाते हैं ना तो और भी पतली काट देता है। हाँ ये तो सही है, यूजफुल प्रोडक्ट है गाइस, है ना, हमें तो फ्री में ही मिला है, क्योंकि वैसे भी हमारे बाल गिरते पड़ते रहते थे, तो सही है, एकदम यूजफुल चीज़ आ गई। तो गाइस एकदम टूटा नहीं है, निकल गया ये, ठीक है। तो एकदम मस्त चीज़ है गाइस, बढ़िया वाली, हाथ लग गई। चलो मैं बना लेती हूँ चावल, बच्चों को आने का टाइम हो रहा है, और देखो रात हो रही है बिल्कुल, ठीक है, जोत भी करनी है अभी। तो चलिए, तो गाइस ये चावल हो गए रेडी, और मैंने जीरे का छोंकनी लगाया इसमें, ये हमारी चटनी रेडी, ये हमारा दही रेडी, और हम खाने वाले भी रेडी क्या, और ये मेरे चुन्नू मुन्नू भी रेडी। रेडी खाना ले आओ, पक्का देवा जी, इसको उठा के फेंक के बंदर के आगे जा। हाँ तो भैया आने वाले होंगे अब, देख 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 गाइस, देख लो, आप लोग बोलते हो ना कि इससे प्यार करते हो, इससे नहीं, ये देखो कितना निकम्मा, वो इतना प्यार कर रहा है, ये देखना लायक छिरकुट सा। गाइस मैं लगा लूँ अपना बच्चों का खाना, और खाना खा के, और जवन को भी बुलाया मैंने स्पेशल, क्योंकि उसको पसंद है इसलिए, और आज बनाने का मेन पर्पज भी यही था। फिर मम्मी भी कह रही की हाँ चावल ही बना लो, तो मम्मी को भी देख के आएंगे, बट मम्मी अभी जोत कर रही, तो हम खा लेते तक, फिर मम्मी को दे आएंगे, और जवन भी आ जाता है। क्या लगती, क्यों आज कैसे झगड़ा हो गया तुम्हारा, क्या किस बात पे ना, झूठ कह रहे थे, कुछ तो बात हुई है आपको पता है, मैं कह रही थी घर से चल लो, अच्छा तो मैं ये सारे कह रहे थे उधर से, अच्छा हम तो कह कुछ बात भी नहीं, डांटने लग गई, अच्छा तो इस बात पे तुम्हारा झगड़ा हो गया है, और मैं तो मैंने फिर मैंने सबसे बात की भाई मुझे तो माजी पागल ऐसे बोलते हैं, माजी पागल में गंदी बात है। काम हमारा सारा हो गया है, ठीक है, और यमन भी आया था, यमन चला गया। तो गाइस आज हमारे मन में एक आया है खुराफाती सा आइडिया, तो आज हम इनसे ना कुछ चीजें अपनी मनवाएंगे जबरदस्ती, ठीक है, वैसे तो सारी चीजें मान लेते, पर जबरदस्ती कुछ चीजें ऐसी नहीं मानेंगे तो वो हम करवाएंगे। मम्मा आपकी पर्ची मैं बताऊंगा, बहुत फनी है ना भाई, ठीक है। तो हमने ना ऐसे करके दो देवांश ने, दो रुद्र ने, और दो मैंने अपने अपनी स्लिप बना ली है, इनमें हमने कुछ लिखा है, अब जो हमें बातें अपनी मनवानी है इनसे, तो अभी आने वाले होंगे बस और 10-15 मिनट में, तो तब तक हमें स्लिप्स अपनी, क्या हुआ, तो तब तक ना हमने अपनी ये तैयार कर ली है, तो अभी बस इनका वेट ही आएंगे, और बंद कर दूं फिर देखेंगे कि किसकी विश पूरी होती है, और मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है। खोल दिया, अरे वारे ना खोल दे, अब तो खुल गया। सुनो आज आप वॉशरूम में नहीं जाओगे, पहले हमारी कुछ बात का जवाब दोगे, ठीक है, हाँ ले रुद्र ले, और वो आपको कर रही है ये, हाँ चले जाने तो बस कहीं नहीं लेके जाओगे, और हमने कहीं पर भी सारी पोल खोलेगा ये अभी, है चुप ठहर जा थोड़ी देर, आ जाओ चुप, ओए तेरी पर्ची कहाँ है, यहाँ पे है, बैठो रुद्र, तेरी कहाँ है, मेरी जेब में, अंदर चलो ना, आ जा आ जा, चलो रे चलो, पहले कौन रखेगा, मैं, हाँ ना पहले देवांश रखेगा, ठीक है पहले तुम दोनों रखो, चल देवांश चल जल्दी करके, दोनों हाथ आगे कर ले, जोन सी अब बैठा हो जाओ, अब जल्दी ऐसे ना देख, और एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा, आ जा देवांश, चल एक आप ना दोनों में से एक 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 मुट्ठी खोलो, उसमें जो भी पर्ची होगी वो आपने पूरी करनी है, पूरे मीन्स पूरी, यस यस यस, पापा आज आपको हम, आज हम आपके पैर नहीं दब चलो भाई, हाँ देखो जो फाइनल है आज जो है ना भाई, ये ना अब रुद्र आप दिखाओ, हम आपके ड्रेस को पूरा करते हैं,
दिखा दूसरी में क्या था? आप कल हमें कहीं घूमने, ये सही रहता है। चलो अच्छा, चलो ठीक है, देवाश का तो गया। रुद्रा बाप दिखाओ अपनी जल्दी, मुट्ठी में कर दोनों, ऐसे मुट्ठी बंद कर ले दोनों। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, इसने तो हमें भी नहीं बताया क्या है। ये क्या है? ग्लू पेन दिलवाना। अरे गरीब है, दूध का खर्चा कुछ बढ़िया से मांग लेता। अरे तो पेन तो मैं दिलवा देती, तू यूं ही रहोगे। ले पकड़ फोन, पकड़ ग्लू पेन तो दोबारा क्या ना दे दी ठाई। इसने चाहिए वे ट्राइमेक्स वगैरह भी। ले पकड़ फोन, हाँ तो ले 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 ले, फोन पकड़ फोन पकड़। काट क्यों रहा है, क्यों काट रहा है? ले तुम्हारी पर चल, चल ले 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 ले, मेरी मजे आएगी ले। आपकी में आई मेरी तो नई मस्त है, कुछ जो भी मानोगा ना उसी में आपने दिक्कत है। देवांश हटियो, हटियो आगे से। कल सुबह कोई ना अभी जाते, अभी जाते, रुक जाओ अभी जाते। तो गाइस मेरी ये थी, तो मैं सोचा दूसरी और दूसरी भी दिखाऊंगी, क्योंकि इनका ये कि गेट में घुसनी चाहिए 10 बार, अगर घर आएंगे तो 10 बार ही वॉशरूम में जाएंगे। देखा ना, ठीक है। तो ये है कि आप सुबह तक वॉशरूम में नहीं जाओगे। कोई ना, ना जाऊंगा, ठीक है। होटल पे भी नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाना। अच्छा होटल तो देख ले, दूसरी जो मैं चाह रही थी कि निकल जाए। $2000 की शॉपिंग करनी थी आप वही नहीं, इसकी दूसरी पर्ची तो देख लो एक बार, दिखा पढ़ियो। दबाएंगे इसने भी ये लिख दो, आज मैं एंड देवांश आपके पैर थोड़ी देर दबाएंगे, चलो थोड़ी देर दबाएंगे। चलो इससे एटलीस्ट यूं तो कहेगी थोड़ी देर दबाएंगे। और ये बिल्कुल ही मना कर दी, कुछ अच्छा सा मांग लेते। मांग तो लिया, बढ़िया सा मांग लेते, घूमने उमने का लेकर जा रहे। कहाँ? अच्छा कहाँ बोला, घूमने के लिए कोई किसी का भी नहीं आया? घूमने का तो, घूमने का तो किसी का भी नहीं आया। पापा ही, पापा लेकर जाएंगे। पापा, इनका फोन का करना था कि 24 घंटे आपके फोन रखे जाएंगे। हाँ, हम ही रखेंगे। अब रख दो इसने साइड में, नहीं फिर हम अपने पास ही रखते। तो गाइस ये था, मतलब फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो मेरा और देवांश का ही ठीक था। रुद्र ने तो बढ़िया नहीं मांगा, तूने मस्त सा कर दा, अच्छा सा कोई बढ़िया सा नहीं मांगता। मैंने तो ना यही सोच लिया, क्या पापा को ना ये देता मैं, क्या कि पापा को ना पूरे 2 घंटे नहीं पूरे 20 पूरे 1 दिन भूखा। तो भूखे तो रह लेंगे पापा 24 घंटे, तो 1 दिन क्या 2 दिन भी रह लेंगे। चल तू, इसकी तो गाइस उल्टी बात रहे, ठीक है।